भारत में शाया होने वाली एक किताब में दावा किया गया है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल की जंग तब के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को झांसा देकर उन्हें बताए बगैर शुरू की, और उस वक्त नवाज शरीफ की हैसियत अपने ही मुल्क में कैदी की थी क्योंकि उनके फ़ोन टेप किए जा रहे थे। अपनी एक तफसीली रिपोर्ट में भारतीय अखबार दी हिंदू ने साबिक भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के एक प्राइवेट सेक्रेटरी की किताब का हवाला देते हुए लिखा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके हिंदुस्तानी हमनसब अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1999 में कारगिल जंग के दौरान कम अज़ कम 5 मरतबा फ़ोन पर एक दूसरे से बात की। वो अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल तनाज़े के दौरान नवाज शरीफ को झांसा दिया था। यह लड़ाई मई से जुलाई सन 1999 के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ इंडिया के जेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के इलाके कारगिल की बर्फानी चोटियों पर लड़ी गई। इंडिया में इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया, जबकि पाकिस्तान में इसे ऑपरेशन कोह पे मां के नाम से जाना जाता है। इस जंग में होने वाली अमवाद के दुरुस्त आदाद शुमार अब भी मुयस्सर नहीं। ताहम जहां इंडिया के 500 से ज़्यादा फौजियों की हलाकत की बात की जाती है, वहीं पाकिस्तान की जानिब शहादतों की तादाद हज़ारों में थी। पहले पहल पाकिस्तान ने कारगिल की जंग में अपने फौजियों के शामिल होने की तरदीद की थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इस जंग में शहीद होने वाले अपने 2 फौजियों को आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से भी नवाजा। कारगिल की लड़ाई के इख्तिताम के 20 बरस बाद भी इसके आगाज से लेकर इख्तिताम तक के बारे में कयास आरायाँ की जाती हैं। लेकिन अब बतौर वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के हंगामा खेज दौरे इक्तदार में रूनमा होने वाले अहम तरीन वाक़यात के बारे में उनके सेक्रेटरी ने वाजपेयी वो साल जिन्होंने भारत को बदल दिया के उनवान से किताब लिखी है। वाजपेयी के निजी सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले साबिक ब्यूरोक्रेट शक्ति सिन्हा ने लिखा है कि नवाज शरीफ और कारगिल तनाज़े के खात्मे के लिए बंद दरवाज़ों के पीछे खुफिया गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखने के लिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साबिक सरबरा आरके मिश्रा का इंतखाब किया गया था, और नवाज शरीफ और मिश्रा के माबैन होने वाली मुलाकातों के बाद भी राबतों का सिलसिला जारी रखा गया। किताब में लिखा गया है कि नवाज शरीफ की पोजीशन बहुत नाजुक थी, और बाद में होने वाली मुलाकात में उन्होंने मिश्रा को इंदिया दिया कि उन्हें बाग में चहलकदमी करनी चाहिए। जाहिर है उन्हें शक था कि उनके घर को टेप किया जा रहा है। जब मिश्रा ने वाजपेयी को इसकी इत्तला दी तो मौखरे जिक्र ने इस बात की निशानदही की कि नवाज शरीफ की हालत उस वक्त एक कैदी से ज्यादा नहीं। उनमें से एक कॉल वाजपेयी के दौरा कारगिल के बाद जून सन 1999 में श्रीनगर में आई थी। श्रीनगर पहुंचने पर वाजपेयी ने मुझसे नवाज शरीफ से रابطہ कायम करने को कहा। मैं और मेरी टीम ने कोशिश की लेकिन हम कामयाबी हासिल ना कर सके। तब वहां मौजूद एक मुकामी अफसर ने हमें बताया कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान का कोड 092 डायल करने पर पाबंदी है। फिर टेलीकॉम के हुकाम को कहा गया कि वो कुछ देर के लिए ये सहूलत खोलें ताकि दोनों वज़ीर आज़म बात करें। शक्ति सिन्हा अपनी किताब में दावा करते हैं कि LOC से पाकिस्तानी फौजों के इनखला की एक बड़ी वजह पाकिस्तानी जनरलों आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज़ की 2 टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग बनी थी, जो कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग यानी रॉ के उस वक्त के सरबरा एडविन ड्यू वज़ीर आज़म वाजपेयी के पास लाए थे। इन रिकॉर्डिंग से बात वाजे हो गई थी कि पाक फौज कारगिल मार्के में शामिल थी। 4 जून सन 1999 को भारतीय हुकाम ने इन टेप्स को इनके ट्रांसक्रिप्ट के साथ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सुनाने का फैसला किया। अगर मुशर्रफ की बातचीत को रिकॉर्ड करना इंडियन इंटेलिजेंस की एक बड़ी कामयाबी थी तो नवाज शरीफ तक इन टेप्स का पहुंचाना कोई छोटा काम नहीं था। ये टेप्स आरके मिश्रा के जरिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान स्मगल की गई। इन हसास टेप्स को ले जाने के लिए मशहूर भारतीय सहाफ़ी आरके मिश्रा को मुंतखब किया गया, जो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे। उन्हें इंडिया बुलाकर ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इस खौफ से कि कहीं इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पर इनकी तलाशी न ली जाए, मिश्रा को सिफारतकार की हैसियत दी गई ताकि उन्हें सिफारती इस्तस्ना हासिल हो जाए। उनके साथ हिंदुस्तानी वजारत खारजा के ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक काटचू भी गए। आर के मिश्रा ने सुबह 8:30 बजे नाश्ते के वक्त नवाज शरीफ से मुलाकात की और उन्हें वो टेप सुनवाई और ट्रांसक्रिप्ट उनके हवाले की। इस काम को मुकम्मल करने के बाद मिश्रा और काटचू उसी शाम दिल्ली वापस आ गए। इस सफर को इतना खुफिया रखा गया कि उस वक्त कम अज़ कम इसका जिक्र कहीं नहीं आया। जब कारगिल तनाज़ा पेश आया तो मुस्लिम लीग नून के सैनिटर मुशाहिद हुसैन सैयद वफाकी वज़ीर इत्तला'आत थे। सन 2019 में अपने एक इंटरव्यू में मुशाहिद ने BBC को बताया कि नवाज शरीफ इस बात से बिल्कुल लाइल्म थे कि पाकिस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कारगिल के बारे में पहली ब्रीफिंग 17 मई 1999 को DGMO की जानिब से दी गई, लेकिन इससे पहले इंडिया से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी कि कुछ हो रहा है। कारगिल हुआ तो फॉर्मली जो इंटीमेशन आई थी उसकी ब्रीफिंग दी गई मियाँ साहब को एज प्राइम मिनिस्टर एक फॉर्मली 17 मई 1999 DGMO ने दी थी, लेकिन उससे पहले वो इंडिया से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी एंड देर वॉज अ रियलाइजेशन कि समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल में। मुशाहिद हुसैन सैयद के मुताबिक कारगिल मार्के से चंद माह पहले फरवरी 1999 में जब इंडिया के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए तो उस वक्त भी नवाज शरीफ बेखबर थे कि पाकिस्तान की फौज इंडिया के जेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में किसी जंगी कार्रवाई का मंसूबा बना चुकी है।
मुशाहिद हुसैन ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे के वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान माहौल बहुत अच्छा था और इंडियन वजीर आजम को पाकिस्तान के तीनों फौजी सरबराहान ने बाकायदा सैल्यूट भी किया था। वाजपेयी साहब आए थे कोई 20-21 फरवरी को और वो बड़ा अच्छा माहौल था और फिर हम उनको हेलीकॉप्टर में गवर्नर हाउस लेके आए जहाँ उनका इस्तकबाल जो सर्विस चीफ्स ने किया, आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ और जो एयर और नेवल चीफ थे, उन्होंने बकायदा सलूट भी किया। इस सवाल पर कई बात कही जाती है कि जनवरी सन 1999 में एक ब्रीफिंग में नवाज शरीफ को बताया गया था कि कारगिल मार्का होने जा रहा है। मुशाहिद हुसैन का कहना था कि जनवरी में तो ऐसा कोई इशारा नहीं दिया गया था, मैं उस ब्रीफिंग का हिस्सा था और वह सिक्योरिटी मामलात पर एक अमूमी ब्रीफिंग थी। जनवरी में तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी, मैं था उसमें और वो तो वैसे जनरल ब्रीफिंग थी। साबिक वजीर इत्तलात ने बताया कि उन्हें पाक फौज की कारगिल में मौजूदगी की इत्तला इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग से थोड़ी देर पहले दी गई। जब यह मामला मंजरेआम पर आया तो मुझे कहा गया कि आप ब्रीफिंग दें क्योंकि मैं हुकूमत का तर्जुमान था। उस वक्त मुझे DGISPR ने बताया कि कारगिल में लड़ने वाले हमारे बंदे हैं, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के हमारे रेगुलर्स हैं। मामला पब्लिक हो गया तो फिर मुझे कहा गया कि आप ब्रीफिंग दें क्योंकि मैं तर्जुमान था हुकूमत का। उस वक्त फिर मुझे इन्होंने बताया DGISPR ने कि सर आपको मालूम है कि ये जो हैं सिलसिला ये हमारे बंदे हैं, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी। मुशाहिद कहते हैं कि ये उनके लिए बहुत मुश्किल मरहला था। उनकी राय थी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया के सामने हकीकत बयान करनी चाहिए। हिंदुस्तान ने भी 1984 में सियाचिन में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की थी तो हम कह सकते थे कि यह हकाइक है और मसले को हल करें, लेकिन सच ये है कि कभी सरकारी सच को सच कहना पड़ता है। मुशाहिद हुसैन सैयद के मुताबिक जब हकूमती हलकों को कारगिल से मुतालिक हकीकत का इदराक हुआ तो शदीद धचका लगा। एक तरफ हम भारतीय वज़ीर आज़म की बस डिप्लोमेसी का खैर मकदम कर रहे थे और दूसरी तरफ तकरीबन जंग की तरफ जा रहे थे। निज़ाम के अंदर एक तकसीम आना शुरू हो गई थी कि यह इतनी बड़ी हरकत कैसे अपने तौर पर कर ली गई। मुशाहिद हुसैन ने बताया कि नवाज शरीफ कारगिल के बाद हैरानगी और मायूसी की कैफियत में थे क्योंकि इंडिया के वज़ीर आज़म अमन के लिए खुद चलकर हमारे पास आए थे। नवाज शरीफ समझते थे कि पाकिस्तान एक ऐसे बहरान में फंस गया है जिसके नतायज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बिलाखिर जब जनरल मुशर्रफ को कारगिल में शिकस्त नजर आई तो उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से दरख्वास्त की कि अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के जरिए जंग को रुकवाया जाए। नवंबर सन 1999 में कारगिल का तनाज़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से जनरल परवेज मुशर्रफ को बतौर आर्मी चीफ बर्खास्त करने की कोशिश में एक काउंटर कूप के बाद अपने ही इक्तदार के खात्मे पर मुंतज हुआ। लेकिन फिर 20 बरस बाद दिसंबर सन 2019 में आईने पाकिस्तान के तहत तश्कील दी गई एक खसूसी अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन शिकनी के इल्ज़ाम में गद्दार करार देते हुए सजाए मौत सुना दी। यूँ अपने दौर इकतदार में सियासतदानों को गद्दार करार देने वाला परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का पहला मुस्तनद गद्दार वतन करार पाया। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।